जमाले नरही रे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कहां ले जाओगे कमा के? कुछ नहीं साथ में जाएगा मेरे प्रेमी बंधुओं। इसलिए धर्म के मार्ग को जो बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, तब उन्होंने वो मार्ग मिला जो आज तुम्हें मिला। और आप कहां भाग रहे हो? चाहे ओढ़ ले शाल तू शाला, चाहे ओढ़ ले शाल तू शाला, आज बड़े थाट बाट में जी रहा है, भगवान को भूल गया, मार्ग भूल गया। चाहे ओढ़ ले शाल तू शाला, चाहे लपेटो फटो चादरा, लेकिन नींद सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। लोग वो भी रात्रि को सो जाते हैं जिनके पास फटा कंबल है, फटी चादर है, निद्रा उन्हें भी आती है। और जो लोग जूझते रहते हैं भक्ति के नाम पर भरोसा बनाकर, अपराध करके और एसी में मलमल की है, लेकिन वो फटी चादर में सो रहा है, उसे सुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? वो याद कर रहा है भगवान, आज मैं जो भी हूं एक तिनका भी मैंने चोरी नहीं किया, बड़े सुकून से सोता। और एक वो सो रहा है, एसी ऑन है, मलबल की रजाई में सो रहा है, लेकिन उसे करवटें बदलते बदलते रात्रि को बड़ी मुश्किल से नींद आती है। चाहे ओढ़ ले, चाहे ओढ़ ले शाल तू शाला, या तो लपेटे फटो चादरा, नींद सब ये कैसी होती, कफन में जेब नहीं होती। या तो बन जी भाट भिखारी, भिखारी कौन अक्सर होता है? कल बताया था गुरुजी ने, कुछ लोग भीख इसलिए मांगते हैं कि उन्हें देने वाले लोग मूर्ख होते हैं। अधिकतर भिखारी बनाना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक जवान तंदुरुस्त घूम रहा है और उसे हम अपने मेहनत की गाड़ी कमाई उसके हाथों सौंप देते हैं, जिसे हराम का मिले वो काम क्यों करेगा? चाहे बन जिए भाट भिखारी, चाहे बन जिए नरेंद्र मोदी, कि इज्जत एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती।
कमाल नरी रे मोती कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती सभी लोग जानते हैं, लेकिन आजकल का जमाना यह है प्रदीप भैया, बिना जेब के लोग जब मरते हैं तो भी पैसे ठुसेर देते हैं, नहीं जो मेरे बाप के पास में चले जाएंगे स्वर्ग में। क्यों स्वर्ग में जब जाएंगे और पापा के पास पैसे न दिए तो नरक में कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खजाना साथ में है। लोगों का मानना है कि पैसा है तो सब कुछ है, इसलिए मरने के बाद भी पैसे ठुसेर दिए जाते हैं। कमाल नरी रे मोती कफन में जेब नहीं होती। राजेंद्र तू शांति पाले, राजेंद्र अब शांति पाले, बुद्ध धम्म को तू अपनाए ले।